क्या होगा अगर इस इलेक्ट्रिक ईल मछली पे उबलता हुआ लावा डाल दिया जाए। तो चलो इसके लिए सबसे पहले लावा तैयार कर लेते हैं। लावा तैयार करने के लिए लोहे और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्ट को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर उस कंटेनर को इस तरह के भट्टी में डालकर भट्टी को ऑन कर दिया जाता है। तो जब तक लावा तैयार हो रहा है तब तक चलो फिश को भी रेडी कर लिया जाए। तो पे से हमारे सामने एक्सपायर्ड इलेक्ट्रिक ईल, क्योंकि यार जिंदा मछली के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब मछली के ऊपर नमक और कुछ मसालों को भी डाल दिया जाता है ताकि पकने के बाद उसे खाया भी जा सके। तो अब बारी है फाइनल एक्सपेरिमेंट की। तो जरा देखो जब इस लावा को फिश के ऊपर डाला जाता है तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर मछली को पकाकर खाना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल तरीके से भी पका लेते। मैं भी ये वीडियो देखने के बाद यही सोच रहा था यार।